हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ विशाल एंड स्वागत है आपका एस्ट्रोनॉट राइड पार्ट 3 में। एंड अभी कुछ 7 बज रहे और हम लोग अभी पाली के लिए निकल रहे हैं। रूम में आपको दिखा देता हूँ, तो एक किचन एरिया है, मुझे इसका कुछ आइडिया समझ में नहीं आया। ओयो होटल है, ओयो टाइप, लेकिन किचन दिया है लोगों ने और काफ़ी बड़ा दिया। एंड ये गद्दी एक्स्ट्रा दी थी, डबल बेड था ये राहुल। एंड बाकी बस छोटा सा रूम है यहाँ पे, बाथरूम है, लेकिन ये किचन वाला मुझे समझ में नहीं आया कि क्यों दिया है, क्योंकि होटल है, होटल में किचन की क्या जरूरत है। एंड नीचे उनका फूड कोर्ट है, होटल है, जस्ट ओपनिंग हुई थी, तो खाना पीना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी यहाँ से निकलते हैं। तो यही लॉज था, श्री साई लॉजिंग, साई होटल भी है। ये जो नीचे होटल है ये उन्होंने अभी ओपन किया है, रूम्स तो पहले भी थे। एंड यहाँ भी आपको नॉन वेज एंड वेज का ऑप्शन मिल जाएगा, थोड़ा प्राइस नेगोशिएट करना पड़ा। 1100 बोल रहे थे, लेकिन हम लोग ने बोला यार थोड़ा रिक्वेस्ट करके 600 तक लाए एंड सॉर्ट आउट कर लिया। अभी वो लोग आएंगे देन निकलते हैं यहाँ से। मुर्शी पैटर्न देखा होगा। तो आज हम करने वाले हैं पाली एंड महाड़ के गणपति के दर्शन। रास्ते में काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर करने लायक है, तो आई होप मुझे भी मज़ा आए एंड आपको भी। राहुल आ गया, चलो। गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। इसको क्या हो गया, सनराइज काट दो, तो सनराइज पीछे सनराइज हुआ है, पीछे साइड हुआ है एक्चुअली वो। भागो भाग मिल्का भाग। तो गाइस वेरी गुड मॉर्निंग, ऑलमोस्ट 7:19 हो रहे, तो वहाँ से निकलने में देरी हो गई थी, देरी हो चुकी ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे अभी कवर करेंगे। रात में घंटा कुछ रास्ता देख नहीं रहा था मुझे, एंड दिख रहा था ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी काफ़ी थकावट हो गई थी। टायर में एक बार हवा भी चेक करवानी पड़ेगी, क्योंकि 2 दिन से उसको यूज़ कर रहे, तो आई थिंक कि कम हुआ होगा थोड़ा बहुत। वहीं पे ब्रेक भी टाइट कर लेंगे, क्योंकि ब्रेक्स पे भी थोड़ा काम करना पड़ेगा, दबा दबा के पूरा लूज हो गया वो, नीचे तक गया, तो उसको एक टाइट करवाते। सामने नज़ारा आपके लिए, पीछे साइड भी मस्त है, राइट साइड में मेरे, लेकिन उतना पीछे नहीं दिखा पाऊँगा मैं। एक्सीडेंट हुआ लगता है। मेडिकेट की जरूरत होगी शायद। मेडिकेट रहता है। कौन डाला? इतना डाला? नाही ती पेन किलर नाही, ही व्हाइट वाली पेन किलर है। हाँ ही भाई, तो इसको तो नीचे बैठ जा, तो ज़्यादा लगा है। फिलहाल ये लो, लगा लो, पोस्ट लो, ये डेटॉल दे आजाने तला लागे, ये ले लो, वो रहने दो। थैंक यू सो मच यार, नो ग्रुप कोई प्रॉब्लम। ते कौन होते गाँव का रेत का? तेंची गाड़ी इकड़न पास होती थी। अच्छा तेंचीच गाड़ी होती थी,
त्यांची गाडी गेली आहे. आणि हे काय सांगितलं पाणी ने खिचाय ना, वो पूरा ये हो गया उसका. दो भाई जाम लागले रे त्याला, ते बघ ना काफी ज्यादा लगा यार उनको. भाई ठेवावं लागतं ना. मला भाऊ बोलला इथं नीट चालव गाडी करून. वो जो बंदा ऊपर सामने खड़ा है ना, उसको काफी चोट लगी है. टाइगर KTM. अरे YouTube चैनल दे दो यार आप. अरे मेरी भी सेम गाड़ी है, आपकी भी सेम गाड़ी है. क्या क्या हेल्प कर दिया आपने एक में. अब इनका YouTube चैनल ले लेना. फॉलोअर बन के रहता हम लोग तो. बहुत मदद कर दिया आपने. नहीं 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 कोई प्रॉब्लम नहीं रहता है हमारे पास वो सब. नहीं नहीं बहुत अच्छा. हाँ चलो ब्रो. फ्यूरस पार्टी विशाल बांदर खेड़े. चलो भाई ख्याल रखना ठीक है. राइट सेफ चल. गणपति पप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया. तो अभी 8 बज रहे. हमारा जाने का जो टाइम था 9 बजे का था, तो अभी 9:26 दिखा रहा है. मतलब आधा घंटा हमारा वेस्ट हो गया. वेस्ट नहीं कह सकते, चलो हम किसी के लिए काम में आ गए, ये इस बात की मुझे खुशी है. कोई नहीं, एंड आधा घंटा लेट तो लेट कोई दिक्कत है नहीं. वैसे काफ़ी बड़ा अभी ट्रिप जो है 541.2 हो चुका है अब तक की जो राइड लगी हुई है. एंड तो फ्यूल अप करना पड़ेगा. एंड इसी के साथ अभी जो रोड हमें पकड़ना है, पेट्रोल पंप भी है आगे, HP पेट्रोल पंप. एंड ये है खाड़ सांबले मुथावली रोड. सबसे पहले फ्यूल अप कर लेते हैं एंड ये लोग आ जाएंगे पीछे से. मैं जिस तरह से बाइक चलाता हूँ एंड वो जिस तरह से चलाते हैं, उस हिसाब से वो मुझे कवर कर लेंगे आराम से. तो अभी जो टाइम, अभी एज पर मैप 10:30 को हम लोग पाली में रहेंगे. यहाँ से कुछ 26 किलोमीटर है एंड 37 मिनट का डिस्टेंस. तो अभी थोड़ा सा फ्यूल अप करने के बाद देखते हैं कि क्या सीन होगा. सिर्फ 2 पॉइंट बचे हुए. तामिनी घाट यार सही है सच में. बारिश के दौरान तो क्या लगता होगा यार वो सच में. एंड अभी तो मतलब वहाँ पे रुकने का कोई सीन था नहीं, तो हम लोग रुकना तो चाहते थे, थोड़ा फोटोशूट भी कर लेते थे या फिर भी मैं वीडियो निकाल पाता अच्छे से आने जाने के. थोड़ा बहुत तो कर सकते थे अगर यहाँ वहाँ कुछ जगह होती तो बीच में. लेकिन यार वहाँ पे रुकने का कोई सीन बना ही नहीं है, कहाँ से करें. ऊपर से जो मुर्शी डैम था वहाँ पे भी नहीं है. देखो मैं लिखा था उसको, वहाँ से आ रहा है वो देखा पानी.
काफ़ी ब्लैक 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 है रोड, ये दो वाइट पट्टी के कारण रोड काफ़ी मस्त लग रहा है। और ये हमारे सुहास भाई, अच्छा दोनों भी कर रहे हैं, वाह। मेरे गोप्रो का मेरे से ज़्यादा यूज़ तो ये लोग कर रहे हैं। उल्लासनगर का शाहरुख खान, हाँ बस 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 बस। Five minutes later. तिथं लाव, तिथं तिथं लाव। तो पाली गणपती हम लोग पहुंच गए एंड भीड़ तो नहीं लग रही मुझे, मुझे नहीं लगता इतनी भीड़ होगी। चलो बाइक पहले पार्क कर लेते, काफ़ी नज़दीक है यार, पता ही नहीं चला कब उतना डिस्टेंस कवर कर लिया हम लोग ने। विठ्ठल रुक्माई। भगवान गणेश की मूर्ति एक पत्थर के सिंहासन पर बैठी है जो पूर्व की ओर मुख किया हुआ है। उसकी सोंड बाएं ओर मुड़ी हुई है और चांदी का एक पृष्ठ है जिसमें सिद्धि यानी कि आध्यात्मिक शक्ति और रिद्धि यानी कि समृद्धि दिखाई जाती है। चलो मैं इसकी आपको हिस्ट्री बताता हूँ। पाली शहर में एक सफल व्यापारी जिसका नाम कल्याण और उसकी पत्नी इंदुमती के साथ उनका बेटा बल्लाल रहता था और शहर के अन्य बच्चे मूर्तियों की जगह पत्थर की पूजा करते थे। एक बार बच्चे शहर के किनारे जाते हुए उन्हें एक बहुत बड़ा पत्थर दिखाई दिया भगवान गणेश के रूप में करने लगे। बल्लाल की अगुवाई में बच्चे दिन रात इतने भक्ति में डूब गए कि वह भूख और प्यास भूल गए। शहर के माता पिता अपने बच्चों के घर लौटने की बेसब्री से इंतजार करते थे। जब बच्चे समय पर नहीं लौटे तो उन सभी ने कल्याण के घर जाकर उनके बेटे बल्लाल की शिकायत की। कल्याण गुस्से में आकर एक लाठी लेकर बच्चों की तलाश में चला गया। अंत में उसने बच्चों को गणेश पुराण सुनते हुए पाया। अपने क्रोध में उसने बच्चों द्वारा बनाए हुए छोटे मंदिरों को नष्ट किया। बल्लाल गणेश के प्रति पूर्ण लीन होकर अपने पिता द्वारा पकड़ा गया और उसके कपड़े उनसे भर गए। उसके पिता ने उसे एक पेड़ से बांध दिया। उसने बल्लाल को उपसाह किया, अब हम देखेंगे कौन सा भगवान तुम्हें सुरक्षित रखता है। और अपने घर जाते हुए उसने अपने ही बेटे को पेड़ से बांधकर मरने के लिए छोड़ दिया। बल्लाल ने गणेश से अपनी मदद के लिए विनती की। भगवान गणेश बच्चे के भक्ति से प्रेरित एक साधु के रूप में बल्लाल के सामने प्रकट हुए और उसे पेड़ से उठने दिया। गणेश को देखकर बल्लाल की प्यास और भूख मिट गई। गणेश ने बल्लाल से कहा कि उसे उसे भक्ति के प्रेरित जो भी चाहिए उसको आशीर्वाद देगा। बल्लाल ने प्रार्थना की, मैं तुम्हारा अटल भक्त हूँ, तुम हमेशा इसी स्थान में रहो और जो लोग तुम्हारी शरण में आते हैं उनकी दुखों को दूर करो। गणेश ने कहा, मैं यहाँ हमेशा रहूंगा और तुम्हारा नाम मेरे सामने आएगा, बल्लाल के प्रभु के रूप में पूजा जाएगा। उसने बल्लाल को गले लगाया और निकट के पत्थर में लिपट गया। पत्थर की दरारें गायब हो गई और फिर से पूरी हो गई। वह पत्थर की मूर्ति को बल्लालेश्वर कहा जाता है। तो आज चतुर्थी थी लेकिन इतना कोई बीट मतलब दिखाई नहीं दिया, नॉर्मल था, आपने वीडियो में देख लिया होगा। तो अभी यहाँ से हम लोग निकल रहे कुटा वरद विनायक महाड़, जो कि हमारे सिद्धि अष्ट विनायक राइट का दर्शन का लास्ट गणपति है, 8th one। तो उसके बाद सीधा हम लोग घर जाएंगे। Few moments later. अपनी बाइक ने अभी थोड़ा सा पानी तो पी लिया है, उसके हिसाब से खाना पीना जो भी हो, एंड ऑलमोस्ट 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स आ चुके हैं। 5.8 समथिंग लीटर बैठ गया इसमें 610 में, तो उतना काफ़ी है। एंड अभी चलते हैं अपनी डेस्टिनी की ओर। सुहास मिला नहीं, सुहास ने बोला कि वो पेट्रोल पंप पे है लेकिन वो पेट्रोल पंप में था नहीं, तो अभी देखते आगे कहाँ मिलता है वो, अगर मिला तो अच्छी ही बात है। लेकिन जैसे मैंने बोला वो अभी रॉकेट बन गया है, अभी वो नहीं रोकने वाला क्योंकि उसका 2 बजे लॉगिन है। अबे चूते लोग, ऐसे ना बंगाली में गाली आ रही है मुझे, दू या ना दू इनको साथ को। श्री गणपति संस्थान मठ, ओ पापरे काफी अंदर है ये।
चलो आ गया। आई होप ज़्यादा गर्दी ना हो यहाँ पे भी। हाँ कम है। वरद विनायक गणपति या महड गणपति मंदिर, जिसे वरद विनायक महड के रूप में भी लिखा जाता है, हिंदू देवता भगवान गणेश के अष्ट विनायक मंदिरों में से ये एक है। यह भारत के महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले के करजत और खोपोली के पास स्थित खालापुर तालुका में ये महड नामक छोटे से शहर में स्थित है। वरद विनायक महड गणपति मंदिर अष्ट विनायक दर्शन यात्रा के दौरान देखने के लिए सातवें गणेश मंदिर में से एक है। वरद विनायक महड गणपति मंदिर में मूर्ति स्वयंभू मूर्ति है और मंदिर को वास्तव में एक मठ के रूप में मान्यता प्राप्त है। मंदिर बहुत ही सरल डिजाइन के साथ, जिसमें टाइल की छत और 25 फुट ऊंची गुंबद और सोने की शिखर यानी कि कलश है, जिसमें एक नागराज की उकील भी है जिसे हिंदू लोग पूजते हैं। मंदिर 8 फुट लंबा और 8 फुट चौड़ा है। कहा जाता है कि भगवान गणेश या वरद विनायक के रूप में निवास करते हैं, जो धन और सफलता के दाता है। यह अष्ट विनायक श्रीनाथ पूर्वाभिमुख और बैठे हुए अवस्था में आवास करते हैं। भगवान गणेश के रूप में वरद विनायक सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं और सभी वरदान देते हैं। दर्शन अभी हो चुका है एंड सुहास यहाँ से निकलेगा जल्दी, उसको जाना है लॉग इन करना है जैसे मैंने बोला था। एंड चलो सुहास बाय, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। तो अभी हम लोग जब मंदिर में थे तो कुछ बॉयज़ मिले थे, बॉय का बॉयज़ ग्रुप था, तो जस्ट बात हो रही थी हमारे बीच में कि कहाँ से आ रहे हो, क्या कर रहे हो एंड ऑल, वो सब मतलब जैसे नॉर्मली बात होती है वैसे ही। देन जैसे हम लोग ने बताया कि अष्ट विनायक राइड कर रहे हैं ऑल वो सब, तो उन्होंने बोला कि जो आप फर्स्ट गणपति करते हो ना, तो 8 गणपति करने के बाद जो फर्स्ट गणपति का दर्शन तुमने किया था वो लास्ट में करना होता है, कंपलसरी है। एंड ऐसा मैंने फर्स्ट टाइम किसी और से भी सुना था कि जो आप फर्स्ट करते हो तो उसका दर्शन आपको लास्ट में भी करना चाहिए। एंड हमने जो गणपति फर्स्ट किया है वो है लेनाद्री का, एंड यहाँ से अगेन लेनाद्री जाना बहुत टफ होगा इस वक्त। तो पता नहीं, मतलब एक बार आप कमेंट करना क्या यह सच बात है या मतलब या सिर्फ ऐसा मिथ है कि फर्स्ट गणपति जो करते हैं तो लास्ट उसको ही करना पड़ेगा आपको। तो जैसे अभी 619 किलोमीटर हम लोग ने कंप्लीट किए अभी तक, घर जाने तक 650 हो जाएंगे जैसा मुझे लग रहा है। एंड 603 दिनों में 200 या 200 के ऊपर किलोमीटर्स हम लोग ने ऑलमोस्ट एक दिन में कंप्लीट किए थे। कम लग रहा है लेकिन क्या है ना, दर्शन करना एंड इस धूप में कंटिन्यूसली बाइक चलाना मतलब आसान काम नहीं है। हम लोग ने बहुत प्रॉब्लम फेस की है। सो ये आसान लग रहा होगा कि 200 किलोमीटर एक दिन में तो आराम से हो सकता है, लेकिन क्या है उसमें दर्शन भी आया है, दर्शन में जो टाइम गया है एंड क्योंकि भीड़ एंड वो सब, उसके बाद खाना पीना, रेस्ट, फोटोशूट्स एंड धूप में कंटिन्यूस बाइक चलाना, ये जो जैकेट हम लोग वियर करते हैं फॉर सेफ्टी पर्पस, ये पसीने के वजह से काफ़ी हार्ड हो जाता है, हार्ड इन द सेंस वेट हो जाता है पूरा, मतलब इसका वेट बढ़ जाता है। एंड इसको कैरी करना साथ में एंड या फिर वियर करके कंटिन्यूसली आप यहाँ जो घूमते हो, ये इजी टास्क नहीं है। आप एक बार ना ऐसे इतने परेशान हो जाओगे कि यार ये जैकेट कहीं निकाल के फेंक दूँ, तो यहाँ तक आदमी लाइक क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। तो वो भी चीज़ है, धूप में ये प्रॉब्लम्स होती है, बारिश में तो कुछ अलग सीन है, लाइक जैकेट गीला होता है लेकिन सूखने का वो अलग रीज़न होता है। एंड थर्ड में तो यार जैकेट बेस्ट ऑप्शन है। एंड आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, ये पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अष्टविनायक दर्शन के। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना ताकि इस वीडियो को बहुत 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 प्यार मिले। एंड अगर आप वीडियो पे नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन है, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जैसे कि मेरे जो आने वाली राइड्स है
उसके आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। प्लस मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट को भी आप फॉलो करना, जो भी राइड अपडेट्स है वो मैं आपको वहाँ पे देते जाऊँगा, ताकि आपको पता चले कि नेक्स्ट राइड कौन से लगने वाली है एंड वीडियोज़ कब तक आएंगे।